आज हम बात करने वाले हैं सूर्य सेन की, जिनको हम मास्टरदा भी कहते थे क्योंकि एक टीचर थे। मैंने आपको बताया था जब मैं शहीद उधम सिंह की बात कर रहा था, मैंने उनकी बायोग्राफी का जब रिव्यू किया था, कि भारत में ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जिनको हम उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत लोगों ने तो इन लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा, ये जो रेवोल्यूशनरी है। क्यों? शायद ये पॉलिटिकल टूल नहीं है। इनके नाम से आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, इनके नाम से कोई बहुत बड़े बड़े आपको मार्ग नहीं मिलेंगे, कोई स्टेशन के नाम नहीं मिलेंगे। बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। आई डोंट नो व्हाई। सरकार को, सारी सरकारों को इनके ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना और लीडर्स पे देते हैं, क्योंकि देश सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं बनाया या और लीडर्स ने नहीं बनाया, इन लोगों ने भी बनाया है। इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी एक आजाद भारत के लिए, और एक ऐसे भारत के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी हो, और इन्होंने बहुत कुछ झेला था। आज हम बात करेंगे सूर्य सेन की, एक ऐसे ही हीरो की। और अभी बहुत लोग हैं जिनकी मैं बात करूंगा, जैसे खुद ही राम बोस, प्रफुल्ल चक्की, काफी लोग हैं जो अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, और हम सबकी बात करेंगे। कम से कम हम तो इनको वो मकाम देंगे ही। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी लेक्चर के रिगार्डिंग क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से एजुकेशन कनेक्ट पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ देखते हैं कि क्या था। अच्छा, सूर्य सेन थे कौन भैया? चिटगोंग आर्मरी रेड इन्होंने इनके नेतृत्व में ये पूरी की पूरी कंडक्ट की गई थी। चिटगोंग इस समय बांग्लादेश में है, उस समय ईस्ट बंगाल में था, और ये वही ईस्ट बंगाल है जिसको पार्टीशन कर दिया गया था। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा पूरा का पूरा ये यूनाइट करता था, और एक बेतुका सा कारण दिया गया लॉर्ड कर्जन कि भैया बहुत बड़ा है, हम इसको रूल नहीं कर सकते, तो इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी में था और वेस्ट बंगाल बाकी मतलब जो क्षेत्र थे वो हिंदू मेजोरिटी में थे, उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वो एक मतलब उसको एक स्टेट बना दो, और जहां पे हिंदू ज्यादा है, हिंदू मेजोरिटी का है, वो एक अलग स्टेट बना दो। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के मैंने पूरा लेक्चर कवर किया इस पे, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो उसी बीच, उसी टाइम पे सूर्य सेन का जन्म होता है। चिटगोंग आर्मरी रेड थी क्या वैसे जो सूर्य सेन ने कंडक्ट की थी? देखिए, सूर्य सेन का ये मानना था कि ऐसा है, अंग्रेज ये आंदोलन से लगता तो नहीं छोड़ेंगे, इनकी सबसे कमजोर जगह, सबसे ताकतवर जगह पे वार करो, अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। इनकी ताकतवर जगह कौन सी थी? गन, बारूद, गोला बारूद और ये जो एम्युनिशंस हैं, इन सबको हटा दो, इन सबको तहस नहस कर दो। तो इनका ये मानना था कि जहां पे आर्म्स रखे जाते हैं, जहां पे गन बारूद और ये सब रखा जाता है, उस पूरी की पूरी जगह को ऑक्यूपाई करके, जिसको हम आर्मरी कहते हैं, पूरी की पूरी जगह को हथिया लो, टेलीफोन लाइंस कट्स कर दो और रेलवे कट कर दो, और पूरा वहां पे अपनी सरकार बना लो, अपने आप सरकार टूटेगी। बहुत ही जबरदस्त इनका मानना था, लेकिन चीजें वैसे हुई नहीं जैसा इन्होंने सोचा, हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 22 मार्च 1894 में हुआ था। ठीक है, नोआपारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, चिटगोंग में जो है। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो स्कूल टीचर थे और ये भी एक स्कूल टीचर थे। ठीक है, इसीलिए इनको मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक है, इनको ट्रिब्यूट भी दी जाती थी, मास्टर दा। बहुत ही ज्यादा पोलाइट थे ये, बहुत ही ज्यादा सज्जन थे, काफी डाउन टू अर्थ और बहुत ही ह्यूमन नेचर के थे, काफी ह्यूमैनिटी इनके अंदर, और हर किसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, शांति से बिल्कुल सुनते थे। और एक चीज मैं और बता दूं, अच्छा चलिए वो मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि इन्होंने जो शुरुआती स्टडी थी, वैसे तो इन्होंने अपना पूरा जो पूरी की पूरी जो पढ़ाई होती है, 10th 12th वो सब पास किया, फिर इन्होंने बीए ज्वाइन किया। अब क्या हुआ था कि ये ऐसे माहौल में पल बढ़ रहे थे जहां पे ये क्रांतिकारी मूवमेंट्स ने जन्म लिया। स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1900, मतलब जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके तुरंत बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसके बाद सूरत स्प्लिट हुई, फिर होम रूल लीग, उसके बाद फिर जलियांवाला बाग। तो ये सारी चीजें ये देखते हुए आ रहे थे, निश्चित ही मन में क्रांतिकारी भावनाएं पनपी होंगी और पनपी भी, क्रांतिकारी भावनाओं ने जन्म लिया। और ये अनुशीलन समिति इसके आइडिया से बहुत ज्यादा मतलब ये इन्फ्लुएंस थे और इनके संपर्क में आए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा अनुशीलन समिति क्या थी, कब फॉर्म हुई थी,
आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा पहले ही क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद जब इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो स्टडी उन्होंने कंप्लीट की, वापस से चिट्टगोंग आए, ठीक है, 1918 में, और वहां पे फिर ये एज ए टीचर काम करने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या है कि उस समय जो थी INC सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी, अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था 1885 में तो जन्म हुआ ही था, लेकिन इनके जो ऑब्जेक्टिव थे ना वो क्लियर नहीं थे। ऐसा लगता था जब शुरू में ऐसा लगता था कि ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए है, साल में एक बार बैठती है और उसमें भी कोई खास डिस्कशन नहीं होता, बड़े सूट बूट के लोग आते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, चाय पीते हैं, नौकरों से काम करवाते हैं, चले जाते हैं। जब तक महात्मा गांधी नहीं आए थे, ठीक है, तब तक कांग्रेस का वो नाम नहीं हो पाया था। कांग्रेस की तो हालत बहुत खराब हो गई थी ना, सूरत स्प्लिट में तो बिल्कुल ही चीजें एकदम बेकार हो गई थी। एक टाइम पे तो लग रहा था कि जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था उसके बाद, ये पूरा धरा का धरा रह जाएगा, और इसी स्वदेशी मूवमेंट को फिर महात्मा गांधी ने जबरदस्त तरीके से एडवोकेट किया, और ये सब सूर्य सेन के टाइम चल रही थी। तो ये सारी चीजें थी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत ही ज्यादा एक ऑर्गेनाइजर थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के इंसान थे, और एक इनमें चार्म था, कभी भी किसी से बात करते थे ना तो उनका दिल मोह लेते थे, ठीक है। फाइनली जलियांवाला बाग मसाकर होता है 1919 में, हर कोई बहुत परेशान हो जाता है इस इंसिडेंट के बाद, इसमें मास्टरदा भी अछूते नहीं रहते हैं। जलियांवाला बाग भी मसाकर, आपको पता ही कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारे वादे किए थे ब्रिटिशर ने कि आपको आज़ादी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, कुछ नहीं होता है, जलियांवाला बाग देते हैं वो, और भारत को दो कानून दे देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक रोलेट एक्ट। इसी की वजह से पूरा का पूरा बवाल हो जाता है रोलेट एक्ट की वजह से, जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं, उड़ा देते हैं जनरल डायर, ठीक है, उनका बदला 20 साल बाद लिया जाता है, शहीद उधम सिंह लेते हैं जाके, उनकी बायोग्राफी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी इन्हीं की तरह अनसंग हीरो थे, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशिया में रेवोल्यूशन आ चुका होता है, देखिए एक्चुअली चीजें बिल्कुल बदल रही होती है उस समय। ये जो रशिया में रेवोल्यूशन लाते हैं लेनिन के भाई को, जो जार होते हैं फांसी दे देते हैं, दिमाग खराब होता है लेनिन का, जबरदस्त मूवमेंट छेड़ते हैं और रेवोल्यूशन ले आते हैं, इनकी भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, आप जरूर देखिएगा। तो ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है, बुर्जुआ सोसाइटी जो होती है कैपिटलिस्ट क्लास के लिए होता है, ठीक है, और एक लेबर रूल, मतलब जो इंसान वाकई काम करता है और आम जनता को, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कोशिश होती है, और बिल्कुल सही कोशिश होती है। 1917 में ऑलरेडी ये रेवोल्यूशन आ चुका होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो चीज होती है ना रशिया में, इससे बहुत चीजें बदल जाती है, क्योंकि काफी लोग, मतलब जो वर्ल्ड अटेंशन होता है यहां पर चला जाता है इस रेवोल्यूशन से। यह तो साबित हो गया होता है कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करके हम इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। यही जितने भी रेवोल्यूशनरी आए, भगत सिंह आए, चाहे वो उधम सिंह, चाहे वो सूर्य सेनी क्यों ना हो, इस पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चले, मार्क्सवादी और पूरा लेनिनिज्म, ठीक है, उन्होंने एडवोकेट किया। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एक इंसिडेंट था जो वर्ल्ड लेवल पे हुआ, और इससे हमारे लीडर्स भी काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए। अब हमारे में तो दो लोग थे, एक तो रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, और एक थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। रेवोल्यूशनरी का जो जीवन था बिल्कुल आसान नहीं था, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे और बहुत सारे लोग थे, इनका जीवन बहुत खराब था, जेल में भी अगर इनको बंद किया जाता था तो बड़ी जबरदस्त प्रताड़ना दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, इवन सूर्य सेन को भी बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर किया गया था फांसी देने से पहले, उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, आंख में बिल्कुल, हालांकि ब्रिटिश अथॉरिटी तो इसे डिनाई करती है और ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन ये हुआ था बिल्कुल, ठीक है, आंख बिल्कुल उनका, आंखें निकाल ली गई थी, कान बिल्कुल पियर्स कर लिए गए थे, लिम्स जो होते हैं वो पूरा, बहुत ही ब्रूटल था वो, ठीक है, तो बहुत हालत खराब करते थे वो जेल में। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफी इज्जत मिलती थी, इनके लीडर्स को भी अच्छे से रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि इनकी एक तो ब्रिटिश के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग भी ठीक थी, है ना, महात्मा गांधी ने तो वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर का काफी सपोर्ट किया था, ठीक है, तो ये चीज थी। तो रेवोल्यूशनरी का जीवन जो था वो आसान नहीं था, टेररिस्ट का दर्जा मिला हुआ था ब्रिटिशर द्वारा, ठीक है, तो सूर्य सेन भी उनमें से एक थे। अब हम आते हैं प्लानिंग। सूर्य सेन बोलते थे कि ऐसा है, एक ऐसी जगह पे अटैक करो ब्रिटिशर की कि सब खत्म हो जाए। और इस आर्मरी रेड में सबसे अच्छी बात क्या थी, या बुरी भी कह सकते हैं या फिर अच्छी भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है,
इसमें जितने भी लोग थे ना वो कौन थे, बच्चे थे, बच्चों ने पार्ट लिया था। सूर्य सेन ने बच्चों की आर्मी बनाई थी, 14 साल 15 साल उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया था, सब खुद आए थे, खुद अपना नाम दिया था और खुद उन्होंने इस आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ था, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ी सी टेक्निकल आ गई थी, मेरा एक्चुअली पेन नहीं चल रहा था इसीलिए स्लाइड पीछे चली गई थी, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं। ठीक है, तो सूर्य सेन भी इनमें से एक थे, ठीक है, अछूते नहीं थे। उन्होंने आर्मी बनाई और उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब हमको अटैक करना है और ऐसी जगह पे अटैक करो जहां पे हालत खराब हो जाए। अच्छा ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, आई एम सॉरी, जहां पे इनकी हालत खराब हो जाए तो इनके सारे हथियार ले लो, अंग्रेजों के हथियार छीन लो, पावर इनके पास रहेगी नहीं तो अपने आप ही हट जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं, टेलीफोन लाइन, टेलीग्राफ लाइन को कट कर दो, टेलीफोन लाइन को कट कर दो, रेलवे ट्रैक उखाड़ दो ताकि ट्रेन जो आती है चिटगोंग के लिए वो आ ना सके, बिल्कुल चिटगोंग को ब्रिटिशर से अलग कर दो, ब्रिटिश से अलग कर दो। देखिए उनको भी पता था कि ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, ब्रिटिशर की ताकत बहुत बड़ी थी और वर्ल्ड वॉर वन में तो विक्टोरियस रहा था भैया, तो तब तो और बड़ी थी। ठीक है, पता था ये चीज काम नहीं करेंगी, लेकिन ये मैसेज होता कि अगर एक प्रॉपर सही मूवमेंट और सही दिशा में मूवमेंट चलाया जाए तो भारत को आजादी इस रास्ते पे भी चल के मिल सकती है, एक मास मूवमेंट, एक वायलेंट मास मूवमेंट। और एक चीज और, सूर्य सेन ने बिल्कुल ये नहीं बोला था, जब उन्होंने आर्मरी रेड की थी तो उन्होंने ये सबको निर्देश दिए थे कि किसी भी इनोसेंट की जान आप नहीं लोगे, भले ही वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये भी चीज थी। इन बिटवीन ये काफी अरेस्ट भी होते रहे थे और इन्होंने चित्तरंजन दास, जबरदस्त लीडर थे भैया ये, देश बंधु इनको बोला जाता है, इनका भी मैं बहुत जल्द रिव्यू लेके आऊंगा। ठीक है, तब हम इनकी विस्तार से बात करेंगे। ये जेल भी जाते रहे थे 1926 से 1928 तक भी, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के लिए ये जेल भी गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब गणेश घोष और लोकनाथ बोहल, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके सहपाठी थे और चिटगोंग आर्मरी रेड में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो इनका सीधा सीधा यही था कि उस ऑर्गन पे, उस चीज पे अटैक करो जो कि इनकी आर्मरी है, यहां पे सारे हथियार रखे हुए हैं, वो उठा के छीन लो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए 18 अप्रैल 1930 की बात है, दिन आ गया फाइनली जब ये चीजें कंडक्ट करनी थी। अब ये और इनके रेवोल्यूशनरी जाते हैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, भगत सिंह ने दिया हुआ, भगत सिंह को बहुत बड़ा अपना एक तरह से बिल्कुल सहपाठी और गुरु ही मानते थे, उनका दिया हुआ नारा और डाउन विथ इंपीरियलिज्म, ये पूरा नारा लगाते हुए सब लोग जाते हैं। लेकिन चीजें उल्टी पड़ जाती है। देखिए आर्मरी को वो रेड तो करते हैं, बिल्कुल आर्मरी रेड करते हैं, पूरा कैप्चर करते हैं जो भी आर्मरी है, राइफल्स को कैप्चर करते हैं, लुइस गन्स को कैप्चर करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है वहां पे मशीन गन्स नहीं होती हैं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एम्यूनिशंस नहीं होते हैं, गोला बारूद नहीं होते हैं। अब यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अल्टीमेट प्लान यही था कि जितनी भी मशीन गन्स मिलेगी और जो भी गोला बारूद मिलेगा वो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस इवेंट के बाद पूरी की पूरी आर्मी लेके आएगी ब्रिटिश, हम उसको रेजिस्ट करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, लेकिन जब गोला बारूद ही नहीं था तो कहां से करेंगे कुछ, ये इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इन्होंने टेलीग्राफ लाइंस काट दी, ट्रेनों को रोक दिया सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि वहां पे कुछ नहीं था। तो इससे काफी लोग, मतलब जो भी वहां पे इस रेड को कंडक्ट कर रहे थे, और मोस्टली बच्चे ही थे, ठीक है, बच्चे मतलब एडल्ट टीन एज में ही थे अपने 15 से 16 साल के, वो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज पहुंच चुकी होती है ब्रिटिशर तक और वो पूरी की पूरी आर्मी लेके आ रहे होते हैं। और ये सबको पता होता है कि ओपन फील्ड में हम बैटल कर ही नहीं सकते और हम अर्बन भी नहीं जा सकते, वहां पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि ब्रिटिशर आएंगे तो हम उनके पास एक ही रास्ता होता है कि जंगल जो होता है चिटगोंग का और जो पहाड़ी एरिया होता है वहां भाग जाएं। अब वहां पे वो चले जाते हैं पूरा का पूरा ट्रूप्स लेके ताकि ब्रिटिशर्स के रैथ से वो बच सके, लेकिन उनको पता होता है चीजें सही होने नहीं वाली। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हजारों हजारों ब्रिटिश आर्मी मैन ढूंढना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये तो जंगल में चले जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसमें एक ब्रूटल फाइट भी होती है, ढूंढ लेते हैं, फाइनली उनको लोकेशन का पता चल जाता है और आर्मी जो होते हैं ब्रिटिशर्स वो सीधा सीधा फायर ओपन कर देते हैं। इसमें काफी लोग भी मरते हैं, 80 आर्मी मैन डाइड होते हैं और 12 रेवोल्यूशनरी भी डाइड होते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, ब्रिटिश आर्मी में मैक्सिमम कौन थे,
हिंदुस्तानी। वो ब्रिटिशर को कहां, इतनी कहां उनकी जनसंख्या, लेकिन हिंदुस्तानियों को वो रिक्रूट करते थे। अगर हमारे में यूनिटी होती ना बहुत अच्छे से, तो ये ब्रिटिशर कभी टिक नहीं पाते। जो यूनिटी 1946 ने, नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी याद है ना, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भैया पूरा का पूरा नेवी नहीं रिवोल्ट कर दिया था, आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया था। ये अगर पहले हो गया होता, क्योंकि आर्मी के बिना आप कैसे कुछ जीतेंगे। ब्रिटिशर इंडियन आर्मी का यूज करते थे हमारे ही ऊपर, ठीक है, हालांकि उस समय तो ब्रिटिशर आर्मी थी लेकिन सब हिंदुस्तानी थे, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जब उनको कोई साइन नहीं लगता कि अब हम जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, जितने भी उनके कॉमरेड्स होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ईस्ट बंगाल का जो एरिया था, चिटगांव का जो एरिया था, वो मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया था पूरा का पूरा। वहां पे ऐसा लगता, मतलब ब्रिटिशर को लगा कि अब सूर्यसेन हिंदू थे तो उनको आराम से वो हैंडओवर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिमों ने बहुत मदद की, वहां के गांव वालों ने उनकी बहुत मदद की और बहुत अच्छे से उनको खाना भी सप्लाई किया और हर एक चीज की, इवन घर में भी छुपाया, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशरों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखा कि किसी भी तरह ये जो है इन तक ना पहुंच सके। गुरिला रेड्स की इन बिटवीन सूर्यसेन ने, गुरिला फाइट्स क्या होती है भैया, वॉरफेयर बहुत ही फेमस है, ठीक है। छे गुवेरा जो थे क्यूबन रेवोल्यूशन के, उन्होंने बहुत ज्यादा इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था, जंगल में छुप छुप के वार करने की टेक्निक, या छुप छुप के वार करने की टेक्निक। बेसिकली गाड़ी जा रही है, बम लगा के उड़ा दो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से इफेक्टिव टेक्निक है, वॉयलेंट टेक्निक है ये, काम भी करती है, ठीक है। तो काफी इनको हार्म भी पहुंचाया। तो अब ब्रिटिशर चाह रहे थे कि किसी तरह से इसको ढूंढो और हटाओ इसे, क्योंकि चार साल तक इनका कोई अता ही पता नहीं था, ये सिर्फ अपने एक्शंस किए जा रहे थे। और यहाँ पे सूर्य सेन की भी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने जो भी इनके जो इनके कॉमरेड्स थे, उसमें मैक्सिमम तो बच्चे थे, तो उनसे बोला भी कि अब ऐसा है, तुम लोग वापस लौट जाओ और ये जो पूरा का पूरा जितना भी जो सीन है, क्योंकि एक टाइम पे उनको भी लग गया था कि अब शायद मैं पकड़ लिया जाऊंगा, ये मैं अपने सर ले लूंगा और तुम सब वापस लौट जाओ। लेकिन ब्रिटिशर ने बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी की थी, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, गांव में जाते थे छोटे छोटे बच्चों को भी मारते थे, पूछते थे, तो काफ़ी उन्होंने किया था, काफ़ी रिप्रेसिव एक्शंस थे उनके, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फाइनली नेत्र सेन जो है वो इनके साथ धोखा करते हैं और सूर्य सेन के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं और 1933 में सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 3 साल बाद उनको फाइनली अरेस्ट किया जाता है। अब क्या होता है कि नेत्र सेन को उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है गद्दारी करने के लिए, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी बिल्कुल भी पता नहीं था कि किस रेवोल्यूशनरी ने इनका सर धड़ से अलग किया, आज तक नहीं पता चला, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी जाता है और सीधा गला काट के ले आता है। मैक्सिमम जो सूर्य सेन के जो कॉमरेड्स होते हैं, जो इनके सह पार्टी होते हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद काफी कुछ लोगों को अंडमान एंड निकोबार भेज दिया जाता है। सूर्य सेन एक्चुअली ये शर्त रखते हैं कि ठीक है मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे कि जो जो अरेस्ट किया है आपने कॉमरेड्स को और छोटे छोटे बच्चों को, उनको छोड़ देंगे, मैं आपके आके सरेंडर कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो इनको जो डेथ पेनल्टी मिली होती है, क्योंकि उस समय तो सीधे फांसी की सजा होती है सारे रेवोल्यूशनरी को, तो जो फांसी की सजा इनके कॉमरेड्स को मिली होती है, उसमें ब्रिटिशर कहते हैं कि ठीक है हम फांसी नहीं देंगे लेकिन अंडमान एंड निकोबार भेज देंगे। तो काफी लोगों को अंडमान एंड निकोबार भी भेज दिया गया था, वहीं पे उन्होंने जीवन बिताया था। बहुत ही खतरनाक सेल्यूलर जेल थी भैया अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, इस पे भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनको अरेस्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन जो इनके साथ चीजें की जाती है बहुत ही ज्यादा वो एकदम अमानवीय होती है। जबरदस्त तरीके से इनको टॉर्चर किया जाता है, इनके इनकी हड्डियों को पूरी तरह से क्रश कर दिया जाता है, लिम्स को पूरा उखाड़ के, जो हमारे बाजुए होते हैं उनको पूरा उखाड़ दिया जाता है, जॉइंट्स जो जो हथौड़ा होता है उससे जॉइंट्स पे वार किया जाता है, हड्डियों पे वार किया जाता है, आंखें पूरी निकाल ली जाती हैं, नाखून जो होते हैं वो उखाड़ लिए जाते हैं, लेकिन तब भी सूर्य सेन का स्पिरिट जो था वो नीचे नहीं गया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे उनके मुंह से निकलते ही रहे, ठीक है। और फाइनली इनको 1934 में फांसी दी गई और इस जबरदस्त हीरोइक एक्ट के नायक का फाइनली अंत हुआ। लेकिन ये इनको बिल्कुल भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये मृत्यु को प्राप्त हुई, ये शहीद हुए और अमर हो गए, इतिहास में नाम अमर कर दिया इन्होंने, ये तो बोलना पड़ेगा। और ये जो है, जो मैंने लास्ट स्लाइड ये रखी हुई है, ये एक्चुअली लास्ट लेटर है अपने कॉमरेड का।
तो आप देख लीजिए क्या जबरदस्त चीज लिखा हुआ है। मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूं कि मौत जो है मेरा दरवाजा खटखटा रही है, मेरा माइंड एटर्निटी पीस की तरफ जा रहा है कि क्योंकि फाइनली मैं भारत माँ की गोद में समाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है, एक ही ख्वाब है, वो ये है कि मेरा भारत फ्री हो जाए, आजाद हो जाए और सब हर कुछ इक्वल हो। कभी भी 18 अप्रैल 1930 का दिन नहीं भूलना, क्योंकि वो चिटगोंग रिबेलियन थी। और हमेशा अपने दिलों में उन लोगों ने जिनके लिए जिन्होंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनका नाम सदैव याद रखिएगा, सूर्य सेन। ये बोला था, शत शत नमन ऐसे रेवोल्यूशनरी को। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इतने सोर्सेज आपको सूर्य सेन के नहीं मिलेंगे। तो ये एक मुझे भी बहुत ज़्यादा खराब चीज़ लगती है, हर एक रेवोल्यूशनरी को जिन्होंने भी अतुलनीय योगदान दिया है उनको वो इज्जत तो मिलनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इसलिए आप जरूर शेयर करिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि ये जबरदस्त रेवोल्यूशनरी कौन थे, हीरो थे ये सब, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए रेवोल्यूशनरी के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सूर्य सेन मास्टरदा को शत शत नमन।